दिनदहाड़े पति ने गोली मारकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्यारा पति गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में अपराध काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हत्या लूट जैसी घटनाएं तो जैसे आम सी हो चली है, लगता नहीं कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ बचा है। ताजा घटनाक्रम थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में घटा, जहां एक विवाहिता को उसके पति ने दिन दहाड़े गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के एकता नगर निवासी सुधांशु मिश्रा ने गृह कलेश के चलते अपनी पत्नी दीक्षा मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सुधांशु मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुधांशु मिश्रा श्रीराम टावर में काम करता था तथा काफी समय से उसका काम बंद था, जिसके चलते घर में कलेश होने लगा था। पत्नी काफी समय से मायके में रह रही थी और कुछ ही समय पहले वापस आई थी। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एडीसीपी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि अभियुक्त सुधांशु मिश्रा को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है तथा आला कत्ल बरामद कर लिया है। पुलिस की विवेचना जारी है, जल्द ही हत्या के कारणों का पता लगा लिया जाएगा। पहले ही जो है यहाँ ससुराल आई और उसके बाद जो है उसके पति द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आला कत्ल बरामद है और सोना लोग शादी मिट्टी बड़ी तहकीक आज एकदम जारी है। अभी लड़की के परिवार वाले नहीं आए हैं, उनका इंतजार हो रहा है। पंचायत नामा भरा जा रहा है, कार्रवाई जारी है। क्या वजह रही है हत्या की वजह? अब ये तो विवेचना का विषय होगा। विवेचना में जो चीज़ें आई अभी तक यहाँ लोकल जो देखा जा रहा है, जो भी आ रहा है कि लड़का थोड़ा साइको टाइप का भी है, वो भी था। अब जो भी वजह हो, उसके परिवार वाले आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। सरकारी था या नहीं? नहीं, वो देसी था और आला कतल।